अब यहाँ पर हम फ्रेंड्स 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए, शो डेट A1, A2, A3, An फॉर्म एन AP, वेयर An इज डिफाइंड एज बिलो। यहाँ पर आपको nth टर्म आपको पहले दे दिया है, यहाँ पर आपको nth टर्म दिया हुआ है 3 प्लस में 4n, ये nth टर्म है। और आपको बताना है यहाँ पर कि यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए इस पार्ट, 10वें क्वेश्चन में दो पार्ट है क्वेश्चन के, हम पहले पहला पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको nth टर्म दे दिया है और आपको बोल रहा है कि A1, A2, A3 डॉट 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 An जो है वो AP का सीक्वेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा, आपको शो करना है। और ये शो करने बोल दिया है तो पक्का बनाएगा, ये तो पता ही है। तो यहाँ पर 1 तो है ही नहीं ना, तो पहले हमको n की जगह 1 रखना पड़ेगा। जब भी आपको n वाला क्वेश्चन दिखे AP में, कोई भी क्वेश्चन n वाला हो, An दिखे कहीं भी क्वेश्चन में आपको An दिखे, तो आपको समझ लेना एक बार तो n को वहां पर 1 रखना है तो A1 आ जाएगा उससे, एक बार आपको n को 2 रखना है तो वहां से A2 आ जाएगा, तभी तो आप AP बनाएंगे सीरीज। पहला टर्म क्या होता है, A1 होता है, तो n को 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए n की जगह आप जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, वो A1 आ जाएगा, और n की जगह आप 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वो A2 आ जाएगा। तो हमें पूछ रहा है कि बताइए कि ये AP है, शो करना है आपको, तो आपको सारे टर्म निकालने पड़ेंगे ना। तो एक बार n को 1 रख के देखते हैं, n को 1 रखेंगे तो क्या होगा, A1 आएगा। A1 क्या आएगा, देखिए 3 प्लस में 4, n की जगह 1 रखेंगे तो कितना होगा, ये 3 प्लस में 4 कितना होगा, 7 होगा। ये आ गया आपका फर्स्ट टर्म। अब देखते हैं यहाँ पर सेकंड टर्म, देखते हैं हम अभी पहला पार्ट कर रहे हैं इसका, ठीक है जी। अब यहाँ पर सेकंड टर्म देखिए, n को क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, n को 2 रखिए, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, यहाँ पर 3 प्लस 4 टू 8 कितना आ गया, ये 11 आ गया। यहाँ पर आप A3 निकाल के देखिए, A3 n की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 प्लस में 4, n की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 4 12, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 प्लस में 12 कितना आ जाएगा, 15। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकाल लिया, तो सीक्वेंस क्या बन गया हमारा, 7 11 एंड 15। अब ये पूछ रहा है कि ये शो कीजिए AP में है कि नहीं है, तो हमें पता है AP में होने के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए D क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हम पहले D1 निकाल के दिखाएंगे, D1 क्या आएगा, D1 क्या होता है, A2 माइनस A1। D1 क्या मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। और फिर से एक बार D1 निकाल, D2 निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर बताना है ना कि AP में है कि नहीं है, तो हमको D 2-3 बार निकाल के देखना पड़ेगा ना। तो D1 निकालेंगे तो क्या आएगा, A2 कितना है यहाँ पर, 11 माइनस 7, ठीक है, कितना आएगा, ये 4 आएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी D आप निकालें तो बाद वाला टर्म पहले लेना है और पहले वाला बाद में लेना है। 7 माइनस 4 नहीं करेंगे, देखिए हम, ये गलत हो जाएगा, आप लोग को लग रहा है कि घटाना है, सिर्फ घटा दो, 7 माइनस 11 नहीं करेंगे यहाँ पर, देखिए अगर 7 माइनस 11 करेंगे तो इसका आंसर आएगा -4, तो ये गलत है। हमें क्या करना है, जब भी AP निकालेंगे, डिफरेंस निकालने के टाइम में हमें सेकेंड टर्म जो है वो पहले लिखना है, देखिए प्लस का 4 आ रहा है, तो ये गलत है ना। तो हमने तो अभी D1 निकाला ना, एक बार और D निकाल के देखते हैं, हमें पूछ रहा है कि बताइए, शो कीजिए कि AP में है कि नहीं है। तो एक बार फिर से D2 हम निकाल के देखते हैं, यहाँ से D2 कितना आएगा, देखिए D2 यहाँ पर 15 माइनस उसके पहले वाला, ठीक है ना, ये A3 है, ये A2 है, तो 15 माइनस 7 कितना होगा, यहाँ पर AB 4 आएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो D1 है वो D2 के इक्वल है कि नहीं है, D1 D2 के इक्वल है ना, देखिए 4 है ना, देखिए तो यहाँ पर तो बोल सकते हैं आप, ये जो है 3 प्लस 4n, ये nth टर्म जो है इज इन AP में है। ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा कि ये प्रूफ करना था कि बताइए कि यहाँ से जो nth टर्म है, अगर आप इसका A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे तो वो AP में है कि नहीं है। तो D1 इक्वल टू D2 आ गया, कितना आया, 4 आया D1, और D2 भी 4 आया, तो AP में है। अब हमें बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म। इस क्वेश्चन में भी आपको नहीं जाना है, इसी क्वेश्चन में बोल रहा है आपको nth टर्म दिया हुआ है, ये इसी का आपको सम ऑफ 15 टर्म निकालना है। मतलब आपको क्या करना है, 15 टर्म का सम निकालना है। तो देखिए n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म का, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है ना सम का, तो सम का तो ये फॉर्मूला होता है। तो आपको सम ऑफ 15 टर्म निकालना है, तो आप n को आप 15 रखेंगे तो आपका यह सम आ जाएगा। तो यहां पर देखिए हमने सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि सम ऑफ 15 टर्म निकालने बोल रहा है, तो n को कितना रखेंगे, 15 रखेंगे, 15 बाय 2, और यहाँ पर ये कितना है, ये हमने सीरीज बनाया था, ये कितना आया था, 7 आया था, 2a प्लस n कितना है, खुद बोल रहा है कि 15 टर्म का सम निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म का, तो n को 15 रखेंगे, 15 माइनस 1, और d कितना दिया हुआ है, हमने अभी फाइंड किया d कितना है, 4 है, तो d को हम रख देंगे 4 यहाँ पर, ठीक है जी। अब फर्दर इसको सॉल्व कीजिए, 15 बाय 2 2 7 14 प्लस
ये 15 बन गया 14 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है और वो सम ऑफ एन टर्म आ जाएगा। इस 2 को हम 2 से हम 14 को काट नहीं सकते, यहाँ पर काफी बच्चे काटते हैं, ये कटेगा नहीं है, पहले इसका कॉमन निकलेगा या इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए पहले आप, तभी हो सकता है यहाँ पर ये। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 15/2, यहाँ पर क्या होगा 14, और 14 का कितना होता है 56 हो गया ये, तो ये कितना आएगा 15/2, यहाँ पर ये कितना आएगा 56, ये 14 जोड़ेंगे 70 आ गया। अब इसको काट सकते हैं हम, तो इसको काट रहे हैं, देखिए कितना आएगा, तो यहाँ पर ये हो गया 15/2, यहाँ पर इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए 35 आएगा। तो 15 को आपको 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको सम ऑफ 15 टर्म एस 15 आपका आ जाएगा। तो इसको देखिए मल्टीप्लाई कीजिए इसको आप, तो 35 मल्टीप्लाई 15, 5 5 25, 2 हाथ में 5 15, 16 17, यहाँ से 1 5 5, 1 3 3, ये कितना आएगा देखिए 7 5 12, 1 देंगे इसको तो 4 525, तो यहाँ मतलब आपका ये जो एस 15 आ गया वो कितना आया 525 आ गया। तो आपको ये फाइंड करने बोल रहा था। अभी हमारा 10th क्वेश्चन का पहला पार्ट हुआ है, फिर से बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, एक बार रिवाइज कर लीजिए एक बार, कि आपको एक टर्म दे दिया है, एन टर्म दे दिया है, आपको ए एन दे दिया है, और आपको बताना है ये एपी में है कि नहीं है। तो इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। आपको जब भी क्वेश्चन में एन दिखे तो आप सोच लीजिए, एक बार एन को 1 रखेंगे तो वहां से आएगा A1, एक बार एन को 2 रखेंगे तो वहां से आएगा A2, एक बार एन को 3 रखेंगे तो वहां से आएगा A3। तो 3 टर्म आपको मिल गया है और एक सीक्वेंस बन गया आपका। अब इस सीक्वेंस को चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो हम जानते हैं एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, सही क्या होना चाहिए, डी जो है वो सेम आना चाहिए। दो बार हम इसका डी, यहाँ पर हम दो बार डी निकाल के दिखाएंगे, एक बार D1 निकालेंगे, D1 क्या आएगा A2 - A1, 11 में से 7 का कितना आएगा 4, फिर एक बार D2 और निकालेंगे, इस टर्म को इसमें से घटाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा। तो हमने देखा जो डी है वो सेम आ गया, फिर हमारा पहला पार्ट सोल्व हो गया कि मतलब ये एपी में है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर एपी में है तो फिर आपको फाइंड करना है सम ऑफ 15 टर्म, मतलब आपको 15 टर्म जो है उसका सम फाइंड करना है, पहला 15 टर्म का सम। तो फॉर्मूला जानते हैं हम उसका, SN n/2 2a + n-1 d, n को 15 रखेंगे, a हमको पता है सीक्वेंस अभी बनाया हमने, a क्या आया 7 आया, और d क्या है कॉमन डिफरेंस कितना आया 4 आया। तो यहाँ पर वैल्यू सारा रख दीजिए, सारे वैल्यू नॉन है देख लीजिए पता है हमें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा यहाँ पर 5/5। तो हमारा पहला पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, सेम एज इट इज ऐसे करना है, आप लोग खुद ट्राई कीजिए, मैं कर दे रहा हूँ, आप लोग खुद ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो देखिएगा इस वीडियो को। तो यहाँ देखिए अब सेकंड पार्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पर सेकंड पार्ट देखिए एज इट इज वैसे करेंगे, आप लोग रिवाइज कीजिए एक तरह से कैसे कर रहा हूं मैं, आप समझिए इसको। आप ए एन कितना दिया हुआ 9 - 5n दिया हुआ है, हम क्या करेंगे पहले ए वन निकालेंगे, जैसे उसको कहते हैं एन को 1 रखेंगे तो ए वन कितना आएगा देखिए 9 - 5n, आप लोग समझिए मैं कर रहा हूँ, आप लोग समझिए कि कैसे हो रहा है, सेम एज इट इज वैसे ही हो रहा है जैसे हमने इसका पहला पार्ट किया। तो एन को हम 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखिए तो 9 - 5 ये कितना आएगा 4। अब ए टू निकालिए, एन को 2 रखेंगे तो 9 - यहाँ पर कितना आएगा देखिए 5 - 2 रखेंगे, एन को 2 रखेंगे ना तो 9 - कितना आएगा ये 10, ये कितना आएगा -1 है ना, 10 में से 9 गया 1 आएगा ना, और माइनस का साइन बड़ा है यहाँ पर तो माइनस आएगा। यहाँ पर एन को 3 रखिए, अब 9 - 5 एन को 3 रखेंगे तो कितना होगा ये 15, तो 9 - 5 से दिया 15, ये कितना आएगा 15 में से 9 हो गया 6, और माइनस का बड़ा है ना साइन तो माइनस का आएगा। तो हमने एज इट इज वैसे ही 3 टर्म निकाल लिया, इसका सीक्वेंस बनाते हैं एक बार देखिए 4 - 1 है ना जी, और यहाँ पर माइनस का 6, इसको देखते हैं एपी में है कि नहीं, हमें शो करने बोल रहा है ना वो एपी में है कि नहीं बताइए। तो यहाँ पर देखिए D1 निकालेंगे, D1 क्या होता है बाद वाला माइनस पहले वाला, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, तो कितना आया D1, सेम साइन में जोड़ते हैं ना, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो सेम साइन है ना दोनों का जोड़ते हैं तो 4 और 1 5 साइन वही आता है माइनस का जो है। और यहाँ पर D2 निकालेंगे, D2 कितना आएगा देखिए, D2 कितना आएगा, D2 फिर से निकालते हैं एक बार, -6 बाद वाला और माइनस हम लगाते हैं और माइनस पहले वाला, तो पहले वाला क्या है यहाँ पर डिजिट -1। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, ये माइनस फॉर्मूले में है और ये माइनस इसके साथ ही है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा इसका आंसर -6, ये क्या होगा प्लस का 1, कितना आ गया -5 आ गया ना देखिए -5, D1 भी आया -5 और D2 भी आया -5, इट मीन्स
ये जो एंस्ट्रम है, ये सीरीज बनेगा जो इसका वो एपी है। तो हम बोल देंगे यहाँ पर कि डी वन इक्वल टू डी टू आया, कितना आया, माइनस का फाइव आया ना, तो सो दिस जो एंस्ट्रम है, एंस्ट्रम इज इन एपी, ये एपी में है, ठीक है ना। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि सम ऑफ 15 टर्म, अगर एपी में है ये तो आप इसका 15 टर्म तक जाके सम जोड़िए आप कितना आएगा, तो सम ऑफ एन टर्म निकालने बोल रहा है। तो फिर से हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब एस 15 फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है ना, सेम एज इट इज, एन को कितना रखना है 15, और हमने ए और डी अभी फाइंड किया है, ए कितना आया इस सीरीज में 4, और डी कितना आ रहा है माइनस का 5, यहाँ रखते हैं जाके, ए को 4, एन को 15, और डी को कितना रखना है माइनस का 5, ये एज इट इज हमने रख दिया 15 बाय 2, ये कितना होगा 2 4 जा 8, ठीक है जी, और ये 14, और ये माइनस का 5, ठीक है। इसको काट नहीं सकते, ध्यान रखिएगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 14 5 जा कितना होता है यहाँ पर, यह 14 5 जा कितना होता है 70 होता है, ये आएगा माइनस प्लस माइनस का 70, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, ये आया 15 बाय 2, यहाँ 70 में से 8 का कितना आएगा 62, वो भी आएगा माइनस का, क्योंकि साइन किसका बड़ा है 70 का ना, तो माइनस का आएगा 62। अब इसको काट सकते हैं हम, तो ये 2 इंजा 2 और 2 के बारे में 31 बाद में, तो माइनस का 31 आया ये, तो मतलब यहाँ पर ये सम ऑफ 15 टर्म कितना आएगा इस एंथ टर्म का, क्या होगा 15 मल्टीप्लाई माइनस का 31, ये मल्टीप्लाई करते हैं देखिए कितना आ रहा है, तो यहाँ पर ये एस 15 कितना आ रहा है, एस 15 आ रहा है आपका 15 मल्टीप्लाई माइनस का 31, मल्टीप्लाई कीजिए 31 और 15 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 ये 15 और 1 1 1 3 3 तो 5 6 ये 4, तो आपका ये आया 465, वो भी माइनस का, तो मतलब यहाँ पर एस 15 कितना आया माइनस का 465, ठीक है जी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट्स है तो आप पिछला लेक्चर जाकर देख सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।